राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 के बैनर तले आज बुद्ध पार्क में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस बैठक में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से पेंशन बढ़ाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि आज की तारीख में कर्मचारियों को मात्र 500 से 2000 पेंशन मिलती है, जो कि नाकाफी है। कर्मचारियों का कहना है कि 500 से 2000 रुपए तक मिलने वाली पेंशन से गुजारा नहीं होता है। सरकार को इसे बढ़ाकर 7 से 13000 के बीच करना चाहिए। साथ ही मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाने की मांग उठाई गई। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से और लेबर मिनिस्टर जो श्रम मंत्री हैं भारत सरकार के, उनसे ये मांग करते हैं कि आज के दिन 500 से लेकर 2000 रुपया पेंशन हम कर्मचारी जो ईपीएस 95 पेंशनर हैं उसको मिलती है। आज के दिन 500 से 2000 के पेंशन में आदमी का गुजारा कैसे होगा? तो हमारी मांग है भारत सरकार के लेबर मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री से, कि कम से कम एक बुढ़े बुढ़िया जो स्पॉस की जो पेंशन, जो सभी रिटायरीज हैं, तो इनकी कम से कम 7500 प्लस दिए, कम से 13-14 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। भारत सरकार ने जो मिनिमम रखी है 9000 समथिंग रखी है, हमारा ये मानना है कि इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी सबको दी जाए। बेस्ट HMT पब्लिक सेक्टर भारत सरकार से रिटायर हुआ हूँ और हमारी स्कीम, पेंशन स्कीम लागू हुई थी 95 से, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन लगातार गया हुआ है सन 16 तक का, 2016 तक का। लेकिन हमारी पेंशन इतनी कम है कि मतलब उससे हमारा गुजारा भत्ता चलना मुश्किल है बुढ़ापे में। वो हमें मैक्सिमम 1800 से मैक्सिमम 2000 पेंशन मिलती है उस लोगों को, अलग अलग लोगों को, तो हमारा गुजारा भत्ता नहीं चलता। जबकि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन फ्री में बगैर कंट्रीब्यूशन के 1-1.5-1.5 हज़ार रुपये कर रखी है, जो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो कि कम से कम हमारे 7-7 हज़ार प्लस डीए होना चाहिए था। मेरा नाम SS रावत है। हम EPF 95 वाले इस संघर्ष रहते हैं कि कोश्यारी कमेटी की या तो मीटिंग, वो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जो आज की डेट में 7.5 हज़ार प्लस डीए बनता है, वो दें भारत सरकार, या जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो एज अर्ली एज पॉसिबल हो गए लास्ट राउंड सैलरी पर उसकी कैलकुलेशन कर दें, न कि 1500 पे या 15000 पर जो है कैलकुलेशन करें, जिससे कि आज की डेट में आम बुजुर्ग को करीब 500 से लेके 3000 मिल रही है। इसमें दो बुजुर्गों का जीवन बड़ा असंभव हो गया है, जबकि उनकी आज 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों की मेडिकल और अन्य फैसिलिटी में ज़्यादा ज़रूरत होती है।